सो थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा और आज हम बनाने वाले हैं स्पेशल ऑमलेट। सो ये ऑमलेट जो है मैं अपने नॉर्मली वीआईपी गेस्ट के लिए बनाता हूँ। आपने देखा होगा कि हम लोग कैसे ऑमलेट बनाते हैं, नॉर्मली किस तरह से ऑमलेट बनाते हैं, वो काफी ज्यादा उसका टेक्सचर जो है खराब हो जाता है, काफी ज्यादा उसको जब हम फोल्ड करते हैं तो टूट जाता है या ऊपर से आपने देखा हो उसमें लाइनें आई रहती हैं। तो आज हमने तो आपने देख लिया, आज हम बनाएंगे स्पेशल ऑमलेट, वीआईपी ऑमलेट आप बोल सकते हैं एक तरह से। तो क्योंकि इस ऑमलेट में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, टाइम एफर्ट का इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो अगर आप ये ऑमलेट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा टाइम और देना पड़ेगा। नॉर्मली आप अगर ऑमलेट बनाते हैं तो 2 से 3 मिनट या 4 मिनट में बन जाता है मुश्किल से, बट ये ऑमलेट अगर आप बनाने वाले हैं तो कम से कम आपको 5-7 मिनट आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इस ऑमलेट में जो इस ऑमलेट का जो टेक्सचर है, ऑमलेट का जो बनाने का तरीका है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। तो बनाएंगे और आप आगे देखेंगे किस तरह से मैंने ये ऑमलेट बनाया है। अगर आप किसी स्पेशल गेस्ट के लिए या वीआईपी के लिए अगर आप बनाना चाहते हैं ये ऑमलेट तो जरूर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस तरह का ऑमलेट आप दे सकते हैं। आप नॉर्मल गेस्ट के लिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, चाहे वो बुफे में हो चाहे आपके पास एलाकार्ट में हो। तो ये ऑमलेट अगर आप फॉलो करेंगे इस रेसिपी को जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस ऑमलेट को अगर आप बनाना चाहेंगे तो जरूर इसको वीआईपी के लिए यूज करिए, या तो स्पेशल जो आपके गेस्ट आते हैं, स्पेशल जिसको आप ट्रीटमेंट देने वाले हो उनके लिए ये ऑमलेट आप जरूर यूज कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ऑमलेट किस तरह से बनता है और क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए, क्योंकि आने वाले वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, नॉलेज से भरे हुए और रेसिपी से भरे हुए होने वाले हैं। और अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, जो कि है देसी ब्लॉगर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो चलिए शुरू करते हैं हम ऑमलेट बनाना। और सबसे पहले मैं एक पैन ले लूंगा और उसमें मैंने डाल दिया है बटर। सो आप यहाँ पे ऑयल का यूज भी कर सकते हो, आप कॉर्न ऑयल, ऑलिव ऑयल, किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे बटर का यूज़ कर रहा हूँ। तो बटर देख सकते हैं आप मेल्ट हो चुका है, अच्छे से गर्म हो चुका है। इसको इतना गर्म नहीं करना है कि आपका एग मिक्सचर जो है वो एकदम कुक हो जाए डालते ही। इसको आपने गर्म कर लिया तो आप या तो साइड कर लीजिए या तो एक हल्की आँच में इसको रखिए और उसके बाद एग मिक्सचर डालिए। यहाँ पर आप एग मिक्सचर का यूज़ भी कर सकते हो और अंडे को तोड़ के भी आप डाल सकते हो, बट ध्यान रखिएगा कि जब आप अंडे को तोड़ के डाल रहे हो तो उसे अच्छे से फेंट लीजिएगा, उसमें कोई मतलब लम्स ना हो, अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिएगा और तब उसको यूज़ करिएगा। तो यहाँ पर मैंने एग मिक्सचर का यूज़ किया हुआ है जो कि रेडीमेड है और यहाँ पर मैंने डाल दिया है और मैं कंसिस्टेंसी के साथ इसको यहाँ पर मूव कर रहा हूँ अपने स्पैचुला को। तो इसको हिलाते रहिए एक लंबे टाइम तक, कम से कम 3-4 मिनट तक आपको ऐसे ही हिलाना पड़ेगा इसे। और आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर किस तरह से आ रहा है, पूरा वीडियो मैं बिना काटे आपके सामने दिखा रहा हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से कुक हो रहा है, कितनी स्पीड में कुक हो रहा है। आप हिलाते रहिए इसको, चाहे ये बहुत टाइम ले ले आपका, बट इसको आप हिलाते रहिए क्योंकि इसमें यही एक ट्रिक है जो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें पेशेंस की जो है ना बहुत ज़रूरत होती है। तो ये देख सकते हैं कि ये हल्का सा भी कुक हो चुका है और इसे मैंने साइड में रखा हुआ है, एकदम धीरे धीरे इसको मैं कुक कर रहा हूँ। जब मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो रहा है या जल्दी से कुक होने की कोशिश कर रहा है तो मैं इसे और साइड कर दे रहा हूँ। तो इसे आप जितना स्लो हो सके उतना स्लो आपने इसको पकाना है, ठीक है, उतना उसको आपने कुक करना है। तो ये करते करते आप देख सकते हैं कि मैं चारों तरफ से इसे हिला रहा हूँ, साइड से इसे आपने साफ भी करना है क्योंकि साइड में जो है वो ज़्यादा कुक हो जाएगा और ज़्यादा कुक होने के बाद उसमें पपड़ियाँ जम जाएंगी, वो एक मतलब कड़क हो जाएगा, तो वो आपको नहीं चाहिए। आप चारों तरफ को हिलाएंगे स्पैचुला से, हिलाते रहेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट, आपने कंसिस्टेंसी के साथ पेशेंस के साथ इसको हिलाते रहना है ऑमलेट को। तो ये देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर किस तरह से हो चुका है। जब आप एक नॉर्मल ऑमलेट बनाते हैं आपने देखा हो कि वो काफ़ी जल्दी बन जाता है, मतलब आधे मिनट या एक मिनट में वो ऑमलेट बन जाता है। और उसमें आपने देखा होगा जब आप उसको फोल्ड करते हो तो उसमें थोड़े क्रैक्स आए रहते हैं ऊपर से, उतनी शाइनिंग नहीं आई रहती है, उतना जो है फिनिशिंग उसमें नहीं होती है। बट इस ऑमलेट की खासियत ही यही है कि इसकी जो फिनिशिंग होती है बाहर से वो बहुत ही अच्छी होती है और ये टाइम बहुत लेता है। इसलिए मैंने आज जैसे कि आपको बोला, ये आप अपने स्पेशल गेस्ट को या वीआईपीस को आप सर्व कर सकते हो क्योंकि ये थोड़ा सा अलग ऑमलेट है। तो अगर पूरी रेसिपी जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक बात को अगर आप फॉलो करोगे तो ज़रूर आपका ऑमलेट ऐसा ही बनेगा जैसा ये बनने वाला है। फिलहाल आपने देख लिया कि ये कितना मैंने कुक किया है, सेम आप पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद मैंने इसे सेलेमेंडर के नीचे डाल दिया। ध्यान रखिए सेलेमेंडर के नीचे डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हमने इसको कुक किया है तो ये नीचे से कुक हुआ है, ऊपर से ये थोड़ा मेल्टेड है और ऊपर से कुक करने के लिए हमें इसे सेलेमेंडर में डालना है
क्योंकि आप इसको फोल्ड नहीं कर सकते हो, हमें वहाँ पे इसे फोल्ड नहीं करना है। अगर फोल्ड कर दोगे तो इसका पूरा टेक्सचर खराब हो जाएगा। तो ऊपर से कुक करने के लिए हम इसको सेलेमेंटर में डालेंगे। सेलेमेंटर में आप ध्यान रखिए कि आप कितने ऊंचे में डाल रहे हैं और कितना नीचे डाल रहे हैं। अगर ऊंचा डाल रहे हैं तो उतने ही कम सेकंड के लिए आपको डालना है, और अगर नीचे डाल रहे हैं तो उतने ही टाइम पीरियड के लिए आपने डालना है। यहाँ पर आप अगर सेलेमेंटर को यूज़ कर रहे हैं तो उसका कम से कम मतलब 10 से 15 सेकंड आपने डालना है। ये इसका टेक्स्चर हो चुका है जैसे कि आप देख रहे हैं। मगर मैं बता दूँ आपको, मैंने भी ये थोड़ा सा ओवर कुक कर दिया है, इसे मतलब 5 से 7 सेकंड शायद मैंने इसे एक्स्ट्रा कुक कर दिया, जो कि आपने नहीं करना है। तो ये हल्का सा ओवर कुक हुआ है, बट फिर भी इसका जो टेक्सचर आने वाला है वो काफ़ी अच्छा है। और ये ऑमलेट मैं बता दूँ, जब मैं ये वीडियो बना रहा था, ये मैंने फर्स्ट टेक में पूरा ऑमलेट बनाया, बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं कि मैंने पहले ऑमलेट बनाया फिर वो ख़राब हुआ, ऐसा नहीं। फर्स्ट टेक में ऑमलेट बनाया और फर्स्ट टेक में जो है इसकी जो शाइनिंग है, फिनिशिंग है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर चीज़ आपने ऐड कर देना है, सॉल्ट पेपर सीजनिंग आपने डाल देनी है, जो भी आपको चाहिए। चीज़ आप ध्यान में रखिए कि किस तरह से डालना है, देख लीजिए। एकदम बीच में मैंने डाला हुआ है, ये नहीं कि आपने चारों तरफ फैला देना है, क्योंकि इसका शेप जो है वो मैटर करता है कि आपने चीज़ कैसे डाला हुआ है, उस पर मैटर करता है। देख सकते हैं ये ऑमलेट किस तरह से पक गया है, कैसे मैंने चीज़ डाला हुआ है और किस तरह से इसका टेक्स्चर अब आएगा। तो इसे धीरे धीरे करके मैं स्पैचुला का, आप देख सकते हैं, मैं पानी में डाल रहा हूँ, और पानी में डालने के बाद इसे साइड से धीरे धीरे करके फोल्ड करना है आपने, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। पानी में मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि स्पैचुला जो है एक सॉफ्टपन देगा, एक मतलब कुक नहीं करेगा आपके एग को, तो इसलिए मैं पानी में डाल के इसको फोल्ड कर रहा हूँ। तो ये टेक्सचर आप देख सकते हैं, ये मैंने फोल्ड कर दिया है और कितना प्यारा टेक्सचर आया है, बिल्कुल एक लाइन आपको नहीं दिखेगी, बस ये क्रैक पड़ चुका है, जो कि मैंने आपको बोला मैंने हल्का सा 5-7 सेकंड के लिए एक्स्ट्रा कुक कर दिया, इसलिए थोड़ा सा क्रैक पड़ गया है। बट ये फर्स्ट टेक में आप लगा सकते हैं कि ऑमलेट मैंने बनाया है, वो भी थोड़े काफ़ी टाइम के बाद बनाया है मैंने, क्योंकि आजकल मेरे पास कोई VIP गेस्ट नहीं है, तो काफ़ी टाइम हो चुका है कि मैंने ऑमलेट बनाया है। बट आज क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा था, तो ये फर्स्ट टेक में ऑमलेट बना हुआ है। तो मैं पानी में डाल के देखिए स्पैचुला को इस तरह से ऑमलेट को फोल्ड कर रहा हूँ और इसको शेप दे रहा हूँ। तो आप इस तरह से इसको शेप दे सकते हैं, देख लीजिए। और इसको मैं दोबारा से सेलेमेंटर में डाल रहा हूँ, क्योंकि इसकी हल्की सी जो फिनिशिंग है वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और होनी चाहिए, तो इसलिए मैं हल्का सा सेलेमेंटर में डाल रहा हूँ, बट आपको शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखिए जो मैंने कुक किया है, जितना मैंने कुक किया है, इससे हल्का सा 5-7 सेकंड आप कम कुक करिएगा। यहाँ पर मैंने प्लेटिंग अपनी तैयार कर रखी है, ऑलिव्स, टमाटो और कुकुम्बर, जो कि ब्रेकफास्ट में नॉर्मली यूज़ किया जाता है, वो मैंने रखा हुआ है प्लेट में। और यहाँ पर ऑमलेट मेरा बन चुका है। तो अब आप देख सकते हैं कि ऑमलेट किस तरह का बना है, इसका शेप कैसा आया है, और इसकी जो शाइनिंग है, इसकी जो फिनिशिंग है, वो किस तरह की है। हल्का सा मैं ऑलिव ऑयल से इसके ऊपर गार्निश कर दूंगा, थोड़ा पार्मेसन चीज़ के ऊपर डालूंगा, जिससे कि इसकी फिनिशिंग और अच्छी लगे। और नॉर्मली आप जब गेस्ट को ऑमलेट सर्व करते हैं तो उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ गार्निश करते हो, तो मैं कुछ इस तरह से गार्निश करता हूँ, ये चीज़ डाल के और थोड़े से शकूरा डाल के। तो ये आपका ऑमलेट बन चुका है फाइनली, और इसकी फिनिशिंग से लेके इसका टेक्सचर से लेके हर चीज़ आप नोटिस कर सकते हो। तो ये बन चुका है फाइनली हमारा ऑमलेट। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग है, ये नॉर्मल ऑमलेट से थोड़ा सा अलग है। आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा प्लेन है, ये काफ़ी शाइनिंग मार रहा है एक तरह से। तो ये ऑमलेट बनाने के लिए ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, आपको पूरा आपको प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके इस तरह से आप ऑमलेट बना सकते हैं। नॉर्मली आपको जब आप ऑमलेट बनाते हो तो आप उसको जिस तरह से हिलाते हो, जिस टाइमिंग में और जिस टेम्परेचर में आप उसको यू नो मूव करते हो, हिलाते हो, तो उस तरह से उसका जो क्वालिटी है, उसका टेक्सचर है, उस तरह से आता है। बट आज इस तरह से मैंने बनाया, अगर आप उस तरह से उसको फॉलो करेंगे तो आपका ऑमलेट भी इस तरह से बन सकता है। तो सिंपली आप इस तरह से ऑमलेट बना सकते हैं, थोड़ा सा हार्ड है, बट प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आप ऐसा भी बना सकते हैं। तो जरूर बनाइए अगर आप बनाना चाहते हैं इस तरह का, अगर आपको कोई स्पेशल गेस्ट है, या अगर आप नॉर्मली इस तरह का ऑमलेट, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट अगर आप इसको रेगुलर बनाना चाहते हैं तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं और अपने मेन्यू में डाल सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत है, बट प्रैक्टिस करने से सब कुछ आ जाएगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये ऑमलेट किस तरह का लगा। सो गाइस सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।